नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। नए वीडियो और डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने इसमें तीन कलर का ऊन लिया है। ये देखिए, 6 नंबर की हमने मोतियां इसमें ली है। आज हम थाली पोस बना रहे हैं, इसके लिए हमने मोती भी लिया है। सफेद कलर की मोती हमने ली है, 6 नंबर की मोती है। चैन बना लेंगे पहले। नौ चैन हमने यहाँ बनाई है, इसे रिंग कर ले। रिंग में हमने 18 डबल क्रोशे बनाए हैं। ये देखे, चैन भी हमने इसमें जोड़ा है, 18 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखें, 18 डबल क्रोशे हमने बना ली है। इसे हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। एक चैन में हमने 2 बनाई है डबल क्रोशे, देखें, एक में हमने 2 बनानी है। हर एक में बनाएंगे, हमें छोड़ना नहीं है। एक में 2, तो इस तरह से ये लाइन बना ले। ये देखें, हमने ये दूसरी लाइन इस तरह से बना ली है। जोड़ लेंगे हम इसे। यहाँ पर हमें 4 चैन करनी है। दूसरे चैन में हम डबल क्रोशे ले लेंगे। ये देखें, इस तरह से एक चैन, एक डबल क्रोशे, एक चैन, एक डबल क्रोशे, इस तरह से हमें बनानी है। एक भी चैन हमें छोड़नी नहीं है। ऊपर हमें एक चैन लेनी है, एक डबल क्रोशे, एक चैन, एक डबल क्रोशे, इस तरह से ये पूरी लाइन बना ले। ये देखें, ये लाइन हमने इस तरह से पूरी कर ली है। एक चैन में हम एक बनाएंगे और एक क्रोशे में, एक चैन में, इस तरह से हमें बनानी है। देखें, एक चैन के अंदर हमने लिया है एक क्रोशे के ऊपर, लाइन इस तरह से बना ले पूरी। ये देखें, हमने इस तरह से ये लाइन बनाई है। यहाँ पर 5 चैन लेंगे, एक चैन छोड़ेंगे। दूसरे चैन में हमने डबल क्रोशे की है, 2 चैन लेंगे, एक छोड़ के दूसरे में एक डबल क्रोशे,
इस तरह से हमने लिया है। देखिए दो चैन हमने लिया है, यहाँ पर पांच चैन शुरुआत में हमने लिया है, एक छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए एक एक छोड़ के हमने लिया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइन बना लें। ये देखिए हमने इस तरह से ये लाइन बना ली है, दो चैन लेके इसे जोड़ देंगे। ये देखिए चैन के अंदर हमने लेनी है, एक में हमने दो क्रोशे लिया है, एक बॉक्स में तीन लेंगे। एक में दो, एक में तीन, एक में दो, फिर एक चैन में तीन। इस तरह से हमें ये लाइन बनानी है। इस तरह से हम दो लाइन और बना लेंगे इस तरह का, और एक ऐसे, तो दो लाइन और बना लें। ये देखें हमने इस तरह से दो लाइन बनाई है, और दो लाइन तीन का और दो का। यहाँ पर हम एक सिंगल स्लिप चैन लेंगे, ये देखें। यहाँ पर हम छह चैन लेंगे, छह चैन हमने लिया है, दो क्रोशे छोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पर तीन चैन लेंगे, दो क्रोशे छोड़ के एक सिंगल क्रोशे, तीन चैन, दो छोड़ के सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से आप ये लाइन बना लें, दो लाइन हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए हमने दो लाइन इस तरह से और तीन तीन चैन का बनाया है। तो यहाँ स्लिप चैन ले ले, चैन में यहाँ पर हम 12 चैन करेंगे। बारह चैन हमने की है, एक छोड़ देंगे हम यहाँ पर, एक्स्ट्रा चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चैन हमने यहाँ पर किया है, बारह चैन हमने यहाँ पर लिया है। इसे हम इस तरह से दूसरी तरफ पलटी कर देंगे, दूसरे में, दूसरे बॉक्स में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया है, देख सकते हैं। इस तरह से दो चैन लेंगे, यहाँ पर दूसरे चैन में इस तरह से आगे वाले चैन में से जोड़ेंगे। इस रिंग में हमें बारह डबल क्रोशे बनानी है। ये देखें चैन भी हमने इसमें ऐड किया है, तो 12 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। इसे हम यहीं पर छोड़ेंगे, इस तरह से दूसरी तरफ ले लें, यहाँ से चैन बनानी है हमने।
यहाँ हमें 20 चैन बनानी है। दूसरे चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर ले, ये देखिए तो यहाँ पर 20 चैन। हमने यहाँ पर लिया है, ये देखिए चैन हमें छोड़ना नहीं, हर एक चैन में हमें लेनी है। इस तरह से सिंगल क्रोशे कर ले, फिर यहाँ से 20 चैन बनाए। ये देखिए चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशी कर ले, हर एक चैन में हमें लेना है 10 लरियां इस तरह की बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने 10 चैन बनाई है, लरी 10 चैन की, 10 लरी हमने यहाँ पर बनाई है। धागे निकाल दिए हैं, ये देखें यहाँ से हमने लिया है रेड कलर का ऊन, हमने यहाँ पर लिया है, 3 चैन करेंगे, दूसरी लरी में इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 3 चैन करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। तीन तीन चैन करके हमें जोड़नी है। सिंगल क्रोशे से देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स हम छोड़ेंगे, तीसरे बॉक्स में इस तरह से जोड़ दिए हमने। ये देखिए दो चैन हम यहाँ पर लेंगे, दूसरे बॉक्स में इस तरह से जोड़ेंगे। चैन में हमें 3 क्रोशे बनानी है, ये हम छोड़ देंगे, 3 क्रोशे बना लेंगे डबल क्रोशे। हर एक चैन में यहाँ तक आप बना ले, 3 क्रोशे
ये देखें हमने इस तरह से बना ली है। इसके दूसरी तरफ हम छह चैन करेंगे, छह चैन हमने यहाँ पर किया है, एक छोड़ेंगे, दूसरे में हमने एक डबल क्रोशे लिया है, तीन चैन, एक चैन छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशे, एक एक हम छोड़ते जाएंगे, तीन तीन चैन हमने ऊपर लिया है, तो पूरे लाइन इस तरह से बना ले। ये देखिए हमने इस तरह से ये बना लिए चैन। फिर आगे वाले बॉक्स में इसते हम इस तरह से, हम इसी में इसको जोड़ेंगे। ये देखें, क्योंकि हम अगर आगे वाले बॉक्स में ज़्यादातर जोड़ते हैं तो ये आपकी यहाँ पर सिकुड़न आ सकती है। हमने जो यहाँ पर जोड़ा है तो एक में हम इस तरह से दो जोड़ेंगे, फिर दो चैन लेके आगे के बॉक्स में लेंगे। ये देखें एक में हमने दो ज्वाइंट किया है, एक ही लाइन में देख सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं आप, सिकुड़न नहीं आएगी आपकी। तीन क्रोशे, हर एक चैन में, हर एक बॉक्स में तीन तीन क्रोशे, डबल क्रोशे बना ले पूरी लाइन। ये देखा हमने इस तरह से एक लाइन बना ली है। यहाँ पर फिर हम छह चैन करेंगे, एक छोड़ के दूसरे में एक डबल क्रोशे, एक छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशे। जिस तरह से हमने ये बनाई है इस तरह से हम दो लाइन और बना लेंगे इसी तरीके से। इसे हम इसी में जोड़ेंगे, देखिए। फिर दो चैन लेके दूसरे में इस तरह से, एक में हमने देखिए दो पॉइंट जोड़ी है, देख सकते हैं। तो इस तरह से बना लें आप, एक लाइन और बनाएंगे हम। ये देखिए हमने धागे में मोती फिरो लिए। यहाँ पर हमने तीन लाइन बनाई है, चौथे लाइन में मोती लेके जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन चैन हमने किया है, एक एक्स्ट्रा, एक मोती लेंगे इस तरह से, एक छोड़ के एक सिंगल क्रोशी करनी है, तीन चैन, एक छोड़ेंगे, इस तरह से हमें बनानी है। एक छोड़ के हमें मोती लगानी है, सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़नी है। तीन चैन लेंगे, एक मोती इस तरह से और एक चैन छोड़ के नीचे दूसरे में सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप बना लें। देखिए इसे ला के हम ये लाइन यहीं पर जोड़ेंगे इसी तरह। ये देखिए चार बॉक्स में हमारी ये चारों लाइन, छह लाइन बनी है चार बॉक्स में। ये देखें हमने इसी में इसे जोड़ा है इस तरह से। यहाँ पर धागे निकाल दें, इस तरह से डिजाइन आएगी, देख सकते हैं। यहाँ से हमें दूसरा पार्ट चालू करना है, तो हम इसे
दो छोड़ेंगे, ये देखें यहाँ हमने जोड़ा है जो, और ये एक छोड़ेंगे, यहाँ से हम लेंगे उल्टे तरफ हमने लिया है, यहाँ पर 12 चैन, यहाँ पर बॉक्स छोड़नी नहीं है हमें, आगे के बॉक्स में इस तरह से जोड़ दें सिंगल क्रोशे से, दो चैन लेके दूसरे बॉक्स में इस चैन को भी हम इसमें जोड़ेंगे, और 12 डबल क्रोशे, 11 डबल क्रोशे और बना लेंगे इसमें। ये देखें हमने 12 क्रोशे बनाई हैं, इस तरह से हम मोती हमने जिसे सिंगल क्रोशे से लगाया यहीं पर हम जोड़ देंगे। ये देखें यहाँ पर एक स्लिप चैन ले लें और यहाँ से लरी बनाएंगे, ये देखें इस तरह से हमने ये दूसरा पार्ट बनाया, जैसे हमने ये बनाया था इसी तरह से ये भी बना लें, और ये पूरे बीच के हिस्से में जितना, ये देखें इस तरह से हमने ये दो पार्ट बना लिया है। ये हमने बीच का हिस्सा हमने छोटा किया था, तो इसमें हमारे 6 हिस्से आएंगे, 6 पैटर्न इस तरह से आएंगे। यहाँ पर हमने एक दूसरा बना के रखा है, ये देखें यहाँ पर हमने बीच का हिस्सा बड़ा बनाया है, उसके मुकाबले दो लाइन हमने यहाँ पर बढ़ाया है, बड़ा बनाया है, तो ये बीच का हिस्सा बड़ा बनने से हमारा ये डिजाइन भी बड़ी हो गई है, बड़ा थालपोस बन गया है। ये देखें हमने इसमें 8 पार्ट बनाए हैं, 2, 4, 6, 8 पार्ट हमने इसमें बनाए हैं। अब यहाँ पर जोड़ना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। देखें हमने यहाँ तक बना लिया है, यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ पर हमने ये लास्ट खत्म किया है 8वां पार्ट, तो यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ से हमने शुरुआत किया था जो लाइन, और यहाँ से हमें इसे जोड़ना है। व्हाइट ऊन ले लेंगे हम जोड़ने के लिए, हमने सारे पार्ट उसी में बनाते गए थे। दो चैन ये हिस्सा और ये एक ये हिस्सा इस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पर चैन लेंगे हम 10 चैन, ये देखिए बराबरी पर यहाँ पर लेंगे, और यहाँ से 1, 2 तीसरे में हमें जोड़नी है, तीसरे में हमें इस तरह से जोड़ देनी है। यहाँ पर 2 चैन लेंगे दूसरे पार्ट में, ये देखें यहाँ पर रेड कलर का जो पार्ट हमने बनाया है, यहाँ से ये वाला हिस्सा लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर 2 चैन, यहाँ पर हिस्सा हम लेंगे और एक ये इस तरह से जोड़ देनी है।
दो चैन, यहाँ पर दो दो चैन हम लेते जाएंगे, हर एक में हमें जोड़नी है। ये लास्ट, ये देखिए यहाँ पर हम धागे निकाल देंगे जोड़ के। ये देखिए आगे से इस तरह से हो जाएगा डिजाइन, जैसे हमारे सारे लाइन हुए हैं इस तरह से। उल्टे बाजू जोड़ने से जोड़ दिखेंगे नहीं, तो इस तरह से हमने इसे जोड़ा है। ये देखिए हमने इस तरह से ये थाली पोस बनाया है। आपको हमारे डिजाइन कैसे लगे, हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।